नहीं थमरा गोवर्धन तहसील में अधिवक्ताओं के चैम्बरों का मामला। गोवर्धन तहसील में अवैध रूप से चैम्बर निर्माण कर पार्किंग स्थल को नष्ट करने के संबंध में अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। 10 दिन से पार्किंग स्थल पर चल रहा है अवैध रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अंधेरी रात में नंबरों का निर्माण। तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक अधिवक्ताओं में कराना चाहते हैं खूनी संघर्ष। अधिवक्ता लीडर डॉक्टर केसी गोस्वामी का जया किशोरी SDM तहसीलदार मुख्य अभियुक्त बिना अधिवक्ता सूचना दिए तोड़ दी थी बिल्डिंग जिसमें था चैम्बर। तहसीलदार से अधिवक्ताओं की झड़प। अधिवक्ताओं को बताया पागल, लगे हाय हाय के नारे। तहसीलदार के सभी अधिवक्ता आक्रोशित। तहसीलदार का पुतला दहन करेंगे तहसील में। विगत कई दिनों से मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय से अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी अपनी चैम्बर को लेकर आपस में काफ़ी कहासुनी की स्थिति बनी हुई थी जिससे कि गोवर्धन तहसील में काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर जब अधिवक्ताओं के द्वारा गोवर्धन उप जिलाधिकारी राहुल यादव तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक के संज्ञान में मामला डाला गया लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस बनी रही। इसी के चलते आज गोवर्धन तहसील में काफ़ी हंगामा देखने को मिला जिसमें कि अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी अपनी बात काफ़ी हंगामे में तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक के समक्ष रखी गई। उनके द्वारा पूरे तहसील परिसर का निरीक्षण किया गया और अधिवक्ताओं की समस्या का हल निकालने की कोशिश की गई। जब इस मामले को लेकर तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि तहसील परिसर में चैम्बरों को लेकर काफ़ी दिनों से हंगामेदार स्थिति बनी हुई है जिसका निवारण हम सभी अधिवक्ताओं के साथ बैठकर कर निकालेंगे। मथुरा से डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी की खास।